कांग्रेस का प्रचार किस रूप में चल रहा है झारखंड में और कितने सीटों पर कांग्रेस अपने दावे को दोहराएगी? देखिए, गठबंधन की ये हम गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं। कांग्रेस को 31 सीट मिली है, जेएमएम को 43 और 7 सीटें मिले हैं अराजक को, है ना। अधिकतर सीटों में हम जीतेंगे और इतना सीट जीतेंगे जिसे सरकार बना सके। हम लोग मेजोरिटी में हम लोग आएंगे, गठबंधन की सरकार बनेंगे। सरयू राय के प्रति जो रवैया कर रहा भाजपा का, क्या वो रवैया भाजपा की नीति और नियति को साथ दिखाता है? हाँ, एक ईमानदार हैं सरयू राय जी, उनका तारीफ करेंगे। हम शुरू से जानते हैं, आज से नहीं, बिहार के दिनों से उनको जानता हूँ मैं। एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन शायद अच्छे व्यक्ति के लिए जगह भाजपा में नहीं है। भाजपा आज भ्रष्ट हो चुकी है, अनेक भ्रष्ट पार्टी है ये। सरयू राय जैसे ईमानदार छवि वाले व्यक्ति को वहाँ जगह नहीं है और उनको सीट नहीं मिली। लाचारी में उनको भाजपा छोड़ना पड़ा और निर्दलीय लड़ रहे हैं वो जमशेदपुर ईस्ट से। सर, शिवसेना का कांग्रेस के साथ जब गठबंधन होगा तो कितना लाभ मिलेगा उसका प्रदेश में, झारखंड में? देखिए, अभी कुछ करना संभव नहीं, इसमें टिप्पणी देना नहीं संभव नहीं है मेरा। तो क्या सर, कांग्रेस को शिवसेना के साथ गठबंधन करना चाहिए? अभी जानकारी नहीं है हमको, इसलिए कमेंट नहीं कर सकता इस पर। अभी सर वर्तमान जो परिस्थिति है वो किस रूप में देखेंगे इसको? क्या रूप में देखेंगे, मतलब कांग्रेस की जो स्थिति है प्रदेश में कितना बेहतर होते जा रहा है? प्रदेश में बेहतर तो करेंगे, हम लोग बोल रहे हैं इस बात को। एक क्वेश्चन कितना घुमा के पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी, काफी नहीं है क्या ये? अरे कौन दिखाइए, बस गांव गांव टोले टोले घूम रहे हैं हम वोट मांगने के लिए। कांग्रेस के हाथ छाप में हक्का छाप रामेश्वर और रामे अंग है। और 2000 नहीं पता चल रहा है, छोड़ दीजिए। अच्छा, कहाँ फोन किया? तो ये आरक्षण बरकरार हुई है, छोड़ दीजिए। हमारे हेमंत सोरेन ने सिंह मुख्य। अच्छा, और मारिन जय धर्मे और जोहार। हां, नाम सुखेर भजत ठीक है, टोलवा। और भाई रो नाम है प्रत्याशी लोरदगा विधानसभा का उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर रास गने निवेद्य वर्ष कादम पद्दाप कदम पैरितम कुद्दादम।